क्या कभी सोचा है कि बस 2 दिन की एक वीकेंड की सुबह इस नज़ारे के साथ गुजारी जाए? हमने भी नहीं सोचा था। Good morning, people. So welcome back to the channel. My name is Anirudh. You're watching Rudu Shoots, and we are here, which is a natural villa, restaurant, and homestay. And here we have stayed, and we're going to Dhanolti right now. So let me show you the room first. This is the view, and this is our room. So ये सारा सामान हमारा जो है यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है. But then this is Umar. Umar, how are you? Hi guys, I'm good. I've been coming here since childhood. बट अगेन इस जगह की मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आती है, पता, इट्स सो गुड फॉर मी. और यहाँ पे आने का प्लान ना, मतलब वीडियो गेंड में बताएंगे, इट वॉज सो ड्रामेटिक, पता लग जाएगा जब आप लोग देखेंगे. स्टिक टू द एंड गाइस. ऑल द मेंबर्स जिन्होंने हमारे इस ट्रिप में ज्वाइन किया, सबकी नाइट टाइमिंग से ऑफिस की, सो हम सुबह यहाँ से निकले. एट रैंडम वीकेंड का जो हमारा प्लान था वो बन गया. क्यों बना बाद में बताएंगे आपको, उससे पहले हम आपको बाकी मेंबर्स से मिलाते हैं. एंड दिस इज अनुज. हाय गाइस. सो अनुज ने भी हमें रैंडमली ज्वाइन किया है. और प्लान जैसे मैंने बताया था नहीं, हमारा वीकेंड था, सिर्फ 2 दिन थे हमारे पास, बट अब बन गया. ही इज़ हियर. गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर बैक इन पहाड़. सो हम बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा ऑफिस के काम से, तो हमने सोचा क्यों ना वीकेंड ट्रिप करते हैं. दिस प्रिंस, नाम पे मत जाना, शी इज़ अ गर्ल. दिस इज़ प्रिंस. सो प्रिंस जो है बेसिकली, वहाँ पे बाइक्स दिख रही हैं आपको हमारी, तो हमने बाइक्स एक्चुअली वहाँ पार्क करी है. प्रॉपर्टी जो है जो रेस्टोरेंट ओनर है उनकी, और ये जो आगे स्कूटी दिख रही है वो ये लड़की लेके आई है. सो ऑसम, कल बहुत राइड करके आई है. हाउ वाज योर जर्नी प्रिंस? अच्छी थी, मज़ा आया. थोड़ा डर भी लगा शुरू में, बिकॉज मैंने वैसे पहाड़ों पे पहले चलाई हुई है, बट इतना पतला और इतना स्टीप रास्ता मैंने पहली बार कवर किया है. स्पेसिफिकली अगर आप मसूरी से ऊपर आओ ना, तो रास्ता काफ़ी छोटा है, एंड मतलब 2 व्हीकल्स एक बारी में जाना, मतलब दोनों साइड एक बारी में चल रही हो, तो इट्स डिफ़िकल्ट. बट हाँ, मज़ा आता है. अगर किसी के माइंड में है ये प्लान एंड दे आर कंफ्यूज कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि मस्ट गो, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स. नाइस नाइस. दिस इज द सेकंड रूम, और दिस वाज द रूम. तो ये जो रूम्स हैं, जो 2 रूम हमने कल किए थे, ये इन रूम की जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के हमें दोनों नहीं, मतलब 1000 रुपीज़ का पर रूम के हिसाब से. दिस इज़ सुवा खोली, ये जगह का नाम है सुवा खोली. और यहाँ पे अगर आप चाहते हो स्टे करना, इफ़ यू गोइंग टू धनौल्टी और करातल के लिए आगे निकलते हो, सो आई विल ड्रॉप अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप आके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मीन वाइल हम ऊपर जाके अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, और आपको मैं ऊपर का रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. तो सामान हम कर रहे हैं पैक, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं. आगे निकलना है हमें धनौल्टी के लिए, 17 किलोमीटर्स और है. तो ऑलमोस्ट सैडल बैग्स भी हमने लगा लिए हैं. बाकी उमर की भी बाइक ऑलमोस्ट रेडी है, तो उमर ने भी सारा पैक कर लिया है, और बस इसको सेट करते हैं. कितने की टिकट सर? 50 रुपये पर पर्सन, ओनली कैश. ओनली कैश? हाँ, कैश है. 250 रुपीज़ कैश. सो दिस इज़ द टिकट काउंटर जहाँ से टिकट्स लगे. ऊपर देयर इज़ इको पार्क, तो अभी हम इको पार्क में जा रहे हैं. बाइक्स हमने पार्किंग में लगा दी हैं. एंड दिस इज़ द प्लेस, ये है पूरा धनौल्टी का एरिया, वहाँ पर पार्किंग है, तो वहाँ पर हमने अपनी बाइक्स जो हैं पार्क कर दी हैं. Thank you.
सो आफ्टर अ ट्रैक ऑफ 5 to 10 minutes हम फाइनली हैं इस पॉइंट पे विच इज दिस ऑसम नाइस एंड दिस इज द टॉप पार्ट जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड आई थिंक इन दिस हीट जो गर्मी दिल्ली में अभी हो रही है उसके हिसाब से आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वीकेंड गेट अवे कि आप वीकेंड के 2 दिन के ऑफ पे परफेक्टली यहाँ पे आ सकते हो एंड लुक एट दिस ऑसम वाओ आई थिंक कुछ लोग वहाँ पे फ्लैग्स लगा भी रहे हैं और इफ़ यू कैन सी वहाँ पे फ्लैग्स लगा रहे हैं बच्चे नाइस तो कंपैरेटिवली जो मसूरी और धनौल्टी से पहले जहाँ हम रुके थे सुबह खोली में जो हम रुके थे वहाँ से कंपैरिजन में आई थिंक 1 to 2 degrees का डिफरेंस है टेम्परेचर का और काफ़ी काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है नाइस सिर्फ 10 किलोमीटर में 2 डिग्री का फर्क यार पीछे तो यहाँ पे अभी एक साउंड आ रहा था हमें वी वर लाइक कि कोई वाटरफॉल या शायद पानी बह रहा है बट वो हवा की आवाज़ थी जो पीछे से आ रही थी इन पेड़ों से टकरा के सो नाइस हाइट तो अभी हम फ्लाई करते हैं ड्रोन लेट्स सी वहाँ तक जाता है या नहीं एंजॉय सम सिनेमैटिक्स ऊपर इको पार्क का व्यू लेने के बाद हम आ गए नीचे यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है आप अपनी बाइक जो है यहीं पे पार्क कर सकते हो और साथ ही साथ जो है भैया का यहाँ पे पॉइंट है मैगी वगैरह खा सकते हो तो इन्होंने हमारे हेलमेट्स भी बहुत अच्छे से रख लिए भैया आपका नाम मेरा नाम दौलत सिंह बेलवान दौलत सिंह हाँ जी तो आप ज़रूर यहाँ आना और बाइक्स आराम से पार्क कर देना अगर आप बाइकर हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो बहुत ईजिली आओ बाइक पार्क करो एक्स्ट्रा लगेज भी है तो भी वहाँ छोड़ देना भाई भैया आराम से देख लेते हैं ठीक है आप बाकी भैया आप मैगी बना दो हाँ जी ठीक है और चाय हो जाएगी चाय हो चाय के लिए चाय हाँ हाँ तो सबकी करवा दें केक हाँ। चलो 5 चाय कर दोगे आप जी सर ठीक ओके अभी हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ जहां हमने लास्ट टाइम खाना खाया था एक ढाबा पॉइंट था ऑसम खाना चलते हैं और देखते हैं हमें खाने में क्या मिलता है वहां स्ट्रेट जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो के एंड में हम आपको पर्पस देंगे कि हमने क्यों ये ट्रिप प्लान की थी तो ये है रीज़न जिसकी वजह से हम ये ट्रिप है प्लान की थी तो दिस इज़ सोनू भाई और मैं आपको बता दूं ये कौन है बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हो शिव रसोई भंडार ये इनका है और अब जब ब्रह्मताल से जब हम वापस आ रहे थे उस टाइम पर हम यहाँ पर रुके थे और इन्होंने हमें खाना दिया था बहुत ही टेस्टी खाना था तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ के दोबारा रुकें और इस बार फिर से मिले और 2 महीने के बाद भी भाई को पूरा ऑर्डर याद था हमारा कि हमने क्या लिया था उन्होंने वही बुक किया और अल्टीमेट खाना बहुत बढ़िया था सोनू भाई और अगर आप लोग आ रहे हो कभी भी अगर देहरादून और उत्तराखंड या फिर कोई भी उत्तराखंड का डेस्टिनेशन अगर आप प्लान करते हो और इस रूट से निकलते हो तो यहाँ ज़रूर आना इनके पास खाना मैं इनका जो डिटेल है लिंक जो है इस प्लेस का मैं डाल दूंगा आप ताकि यहाँ पे आ सको इनसे कॉन्टैक्ट कर सको अल्टीमेट खाना मिलेगा बेस्ट प्राइस पे अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू सून टेक केयर बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम एंजॉय एंड पीस आउट बाय बाय थिंक अबाउट मी वन मोर टाइम बिफोर यू गो